अब मॉरस देखता है, क्योंकि ये इसके नफ्स वहां पहुंचा है, खुद नहीं पहुंचा, खुद जिस्म इधर है। अब वो जो आ रहे हैं उनके जिस्म वहां पहुंच गए हजूर पाक के पास। अब ये मॉरस देखता है कितने खुश नसीब हैं जिस्म समेत हजूर पाक की महफिल में बैठे हैं। इतने में हजूर पाक किसी से बात करते हैं। अब आरफ पूछते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, हमको तो नजर नहीं आ रहा। फरमाते उससे बात कर रहा हूं जिसका जिस्म मखलूक में और ये रूह नफ्स की रूह मेरे पास। और वो कहते हैं कितना खुश नसीब है, उधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। इतने में नमाज का वक्त आता है, हुक्म होता है ये जो जहरी जिस्म वाले हैं ये जहर में जाके नमाज पढ़े वरना वलायत सलब हो जाएगी। उस रूहानी की नमाज उस लतीफे नफ्स के जरिए हजूर पाक के पीछे होती है। वो अगर एक नमाज भी हजूर पाक के पीछे मिल जाए इन हजारों रकातों से बेहतर। नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब उधर हजूर पाक की तरफ रसाई हो गई, अब बाकी अल्लाह रह गया। अब वो जो अल्लाह अल्लाह करता था, अल्लाह अल्लाह का नूर उसके दिल में जमा हो गया। एक हदीस में कि ये जो जहर है ये बातन की नकल है। जहर में बिजली का निजाम है, बातन में नूर का निजाम है। यहां मोबाइल पड़ा है, उसकी बिजली की बिजली है उसमें, उसकी लहरें यहां से उठती हैं अमेरिका पहुंच जाती हैं। अगर बिजली की लहरें यहां से उठी हैं अमेरिका पहुंच जाती हैं, अगर कहीं नूर होगा तो उसकी लहरें उठेगी वहां कहां पहुंचेंगी। नूर की लहरें वहां से उठेंगी अरशे मौला तक पहुंचेंगी। अब सिर्फ अरशे मौला से राबता हुआ बातचीत नहीं है, जिस तरह अमेरिका से फोन मिल गया अब बातचीत क्या होगी। जब हजूर पाक शबे महराज में गए अल्लाह ताला ने तोहफा दिया, ये नमाजें तोहफा है कि ये अपनी उम्मत को दे देना, ये तोहफे वो मुझे भेजेंगे मैं उनको याद रहूंगा वो मुझे याद रहेंगे। अब वो तोहफे नीचे आ गए, अब तोहफों को ऊपर भेजने के लिए वो टेलीफोन चाहिए। अल्लाह, अगर आपके अंदर वो नीरू टेलीफोन नहीं है तो आपके तोहफे यही है ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसको नमाज सूरत बोलते हैं। सूरत का मतलब है कि जिस तरह तुम्हारा अक्स है, अब अक्स तुम्हारे फोटो से क्या हासिल होगा, ये नमाज सूरत है। लेकिन जिसके अंदर वो नूरी नूरी टेलीफोन लग गया उस टेलीफोन के लिए उसकी नमाज अरशे मौला में जाती है, उसको बोलते हैं नमाज मोमन का मेराज है। ये सिर्फ मोमन का मेराज है। अगर मोमन का मेराज है और गली तो उसे अगली चीज है ना। मोमन की आवाज अरशे मौला में पहुंचती है तो वली इन रूहों के लिए बजाते खुद वहां पहुंच जाता है। अल्लाह, जब तुम्हारे अंदर अल्लाह शुरू हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर और भी मखलूक हैं, रूहें हैं, जिस तरह जिन और फरिश्ते हैं इस तरह वो रूह हैं तुम्हारे अंदर, सत रूहें हैं। बकायदा है बीसी में उनके नाम है कलब रूह सिरी खफी अख्फा अन्ना नफ्स। नौ उनके खलीफे हैं, बॉडी गार्ड। 16 चीजें तुम्हारे अंदर हैं। जब तुम 16 चीजें उनमें नूर जाएगा तो वो 16 चीजें अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगे। इस जिस्म में या अल्लाह होगा, अगर अल्लाह नहीं है तो फिर शैतान होगा। अगर हमारा दिल में नूर नहीं है तो तुम्हारे दिल में शैतान है। और यकीन करो कि जो अल्लाह कल भी अल्लाह नहीं करते उनके दिलों में शैतान है। उनको ये बात बुरी लगी होगी लेकिन हम दलील देते हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं वो सोचना नहीं चाहते, उनको ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं जो वो सोचते नहीं चाहते। इसका मतलब है कि वो नहीं सोचना चाहते लेकिन उनके दिल में वसवसे आते हैं, फिर वो शैतान ही डालते हैं ना, उनकी नमाज खराब करने आता है ना, तो शैतान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा इसका सबूत है, आप जिक्र के हल्के में बैठ जाए वसवसा नहीं आएगा। आप अल्लाह में लग जाए आपको वसवसा नहीं आएगा, उल्टी मस्ती आएगी। तो क्या वजह है, मस्ती क्यों आएगी? क्योंकि जिस तरह कौवा तीर से भागता है
اس طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے. جب اللہ سے شیطان بھاگتا ہے, لیکن جب تم اللہ کا ذکر چھوڑو گے تو پھر واپس آ کے جائے گا نا. اگر تمہارے اندر ہی ہلکا بن جائے تو وہ تمہارے اندر کی مخلوق اللہ نہ کرنا شروع کر دے تو پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گلے گلے میرا شاہی, میرا شاہی, دین نبی کا سچا